फ़ोटी वीक की प्रेगनेंसी मानी जाती है लेकिन डिलीवरी थर्टी नाइन थर्टी एट थर्टी सेवन वीक में ही हो जाती है आपकी वीक्स की गिनती कब से करनी है कैसे जानोगे आप रिलेशन के बाद जब आप कंसीव कर चुके हो तो आपकी अब तक की प्रेगनेंसी कितने हफ़्तों की हो गई दो हफ्ते तीन हफ्ते चार हफ्ते चार हफ्तों की प्रेगनेंसी यानी कि एक महीना हो गया इसकी गिनती कैसे की जाती है कैसे जानोगे आपकी आप कितने हफ्तों की या कितने दिन के प्रेग्नेंट हो चलिए इस वीडियो में जानेंगे सबसे पहली चीज़ ये कि आपको गिनती अगर शुरू करना है आपको जानना है कि आपकी प्रेगनेंसी कितने दिन की हो चुकी है तो उसके लिए आपको अपने पीरियड के फर्स्ट डे को जानकारी रखना ज़्यादा ज़रूरी है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि पीरियड कब ख़त्म हुआ दस दिनों की थी पंद्रह दिनों की थी सात दिनों की थी इसकी जानकारी रखना ज़रूरी नहीं है उसके बाद ये कि ओवुलेशन आपका कब हुआ एक पंद्रहवें दिन बाहर आया या नहीं आया आपको जानकारी है भी या नहीं है यानी कि ये कि आपको ऑपोलेशन की जानकारी नहीं है कब एग रिलीज हुआ कब सेल के साथ फर्टाइल हुआ कब इम्प्लांट हुआ जाके गर्भाशय की दीवार पे अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को अगर 80 परसेंट महिलाओं को अगर बात करें तो नहीं जानकारी होती है तो आपको जानकारी क्या रखना है? जो कि बहुत सिंपल है कि आपका पीरियड हर महीने कब शुरू होता है ठीक है तो जो पिछला पीरियड था उसका पहला दिन कौन सा था यही डॉक्टर अक्सर पूछा करते हैं कई महिलाओं को याद रहता है कई महिलाओं को याद नहीं रहता है तो सोनोग्राफी से पता चलता है कि उनकी प्रेगनेंसी कितने दिन की हो चुकी है तो पहला दिन जो है वहीं से आपके जो प्रेगनेंसी है वो शुरू होगी पहला दिन आपका पीरियड शुरू हुआ पाँच से छः दिनों तक रहा उसके बाद आपका पंद्रहवें सोलहवें या चौदहवें दिन जो है ओवुलेशन हुआ एग रिलीज हुआ एग सेल के साथ फर्टाइल हुआ फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया उसी दिन हुई या फिर दो दिनों का वक्त लगा बीसवें इक्कीसवें दिन वो जाके इम्प्लान्ट हो गया इम्प्लान्ट हो गया इम्प्लानशन के बाद जो है आपके प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन बीटा एच सी जी हारमोन्स बढ़ने शुरू हो गए अब आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखेंगे यानी डेट मिस होते होते आपको प्रेगनेंसी के लक्षण जैसे थकान होना सिर चक्कर देना भूख बढ़ना उबकाई जैसा फील होना ये सारे लक्षण कई महीनाओं को दिखने शुरू हो जाते हैं यानी कि आपका डेट मिस हो चुका है आप इस महीने नहीं आई पीरियड आपका नहीं आया आपकी प्रेगनेंसी पूरे एक महीने की हो गई अब तक आपको लग रहा था कि आप प्रेग्नेंट हैं भी या नहीं है, या फिर आपको अब यहाँ से काउंट करना है आपका डेट मिस हुआ वहाँ से आपको अपनी प्रेगनेंसी काउंट करनी है नहीं आपको अपने प्रीवियस यानी पहले जो पीरियड आया था उसके फर्स्ट डे से ही काउंट करनी है यानी कि तीस दिनों की प्रेगनेंसी हुई आपको जो इम्प्लान्टशन हुआ बीस से इक्कीस दिनों की आपकी प्रेगनेंसी हो गई तो इस तरीके से काउंट किया जाता है प्रेगनेंसी के लक्षण भले ही थोड़े लेट होते हैं ऐसा नहीं है कि एग और सेल आपस में फर्टाइल हुए अब आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखने शुरू होगा या फिर वहाँ से एक महीने आप गिनना शुरू करेंगे वहाँ से भी एक महीना नहीं शुरू करना आपको गिनना तो आई होप आपको ये वीडियो, हो। वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करते जाए धन्यवाद